चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 3 तक। आज चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 है। अच्छा जी, अल्फा बीटा, इसके बाद क्या आता है? अब अल्फा बीटा के बाद कुछ और भी नाम है? अच्छा जी, अल्फा बीटा, गामा, एक शायद थीटा भी होता था, वो भी कुछ होता है। ओके जी, अल्फा बीटा गामा। हमने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको ओपन विद कोड। और ये आपके पास आपका प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया। इसमें हमारी मेन फाइल जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल 5 की मदद से, इसको आप लोग कहते हैं चैप्टर 4 लिस्ट। और ये आपका हेडर, हेडर के बाद मेन, मेन के बाद फुटर, फुटर के अंदर पी एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। हेडर में नेम, नेम के अंदर एंकर टैग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये आपका चैप्टर 4 लिस्ट, ये आपका बन जाएगा गैलरी, ये आपका बन जाएगा टेबल्स, चैप्टर नंबर 5, 6। चैप्टर नंबर 5 आपका इमेजेस एंड, अगर तो आप लोगों ने एंड कैरेक्टर यूज़ करना है तो फिर आप लोग इस तरह यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसको एम्पर सेंड कहा जाता है, AMPERSAND, ठीक है जी। कंप्लीट वर्ड ये है लेकिन इसको हम AMP से लिखते हैं। इमेजेस एंड मीडिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपका टेबल्स। मेन में आप लोग H1, चैप्टर 4 लिस्ट, HR एलिमेंट, और ये आप लोग का स्ट्रक्चर बन गया आपके वेब पेज का। ये चैप्टर फॉर लिस्ट, ये एंकर टैग्स आ गए और ये आपके पास चैप्टर फॉर लिस्ट इस तरह आ गया। अच्छा जी, अगर इसको सेंटर में करना हो, इस नैव एलिमेंट को सेंटर में लेकर आना हो, तो आप लोग नैव को सेंटर एलिमेंट में लिख दें। वैसे तो ये एलिमेंट जो ये डेप्रिसिएट हो चुका है और यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि कुछ ब्राउज़र में ये वर्क नहीं करता, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ एच टी एम एल और आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसलिए सेंटर एलिमेंट को यूज़ कर लें। तो ये देखें, ये सेंटर में आ गया। तो इसको आप लोग अब हेडिंग्स को भी, और ये आपका पी एलिमेंट भी सेंटर में ले आए। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 4 लिस्ट है। अच्छा जी, एचआर के बाद हमारे पास टोटल 3 किस्म के लिस्ट होते हैं एचटीएमएल में। H2, लेट सपोज आपके पास ये है H2 स्टूडेंट्स डेटा, H3 में अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, एक आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो गई,
और एक आपके पास डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसे कुछ भी कहा जा सकता है, डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके जी, अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने का तरीका, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, इस यूएल एलिमेंट के अंदर एल आई, तो ये आपका लिस्ट आइटम अहमद और आपके पास बिलाल, फैज़ान, आपके पास हसन और आपके पास जाहिद। ठीक है जी, आपके पास ये कुछ नाम आ गए, सेव करें, अपने वेब पेज पर आएँ तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट आपको इस तरह की नज़र आ रही है। इसमें ये आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, सर्कल नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये डिस्क है, तो आप लोग इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप वैसे तो मेन से ऐसे में ही चेंज होनी है अभी, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि टाइप एट्रीब्यूट भी यूज़ नहीं किया जाता है। टाइप में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क है, ठीक है जी, ये करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर्कल करेंगे तो आपके पास देखें सर्कल, और अगर आप इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। सेम कॉपी इसकी बना लें, इसको पेस्ट करें यहाँ पे। अब यूएल की जगह ओएल सिर्फ, ठीक है, यू से अनऑर्डर लिस्ट, ओ से ऑर्डर लिस्ट, टाइप इसकी ये नहीं आएगी। सेव करें तो ये देखें 1 2 3 4 5, टाइप चेंज करनी है तो ए कैपिटल में, कैपिटल ए आ गया, स्मॉल ए करते हैं तो स्मॉल ए, आई करते हैं तो रोमन स्मॉल में, आई कैपिटल करते हैं तो अपर केस में रोमन। और आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइप है ये आपके पास वन से आ रही होती है, आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट ही 5 से हो या 10 से हो, तो आप ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट और यहाँ पर आप लेट्स 15 कर दें तो ये 15 से स्टार्ट होगा, 16 कर देंगे तो ये आपका 16 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग फिर इस तरह यूज़ कर सकते हैं, टाइप, और इसको आप ए कर दें तो ये आपका, अब स्टार्ट जो इसने होना है 16 से, तो 16 नंबर पे जो भी डिजिट आते हैं ये वहाँ से स्टार्ट होगा, वन कर देंगे तो ये वन वाला ही आएगा। तो ये आपके पास आउटर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट आपकी बनती है, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर डी ए डेफिनेशन टर्म, हम कमेंट यूज़ कर लेते हैं, डेफिनेशन टर्म स्टैंड फॉर डी टी, लेट सपोज ये आपके पास H4 में फ्रूट्स डेटा है, तो डी टी में आपके पास मैंगो आ गया। अब मैंगो की डिटेल्स अगर लेनी है तो डी डी डेफिनेशन डेटा, ठीक है जी, द डी डी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन और वैल्यू पार्ट ऑफ अ टर्म डिस्क्रिप्शन ग्रुप इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसको आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं या फिर डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं। ओके जी, ये आपके पास डेफिनेशन टर्म और ये आपके पास डेफिनेशन डेटा, डेफिनेशन कह लें या फिर डिस्क्रिप्शन, और इसको भी आप ऐसे ही पेस्ट कर दें और इसको भी आप ऐसे ही पेस्ट कर दें। अच्छा जी, अब डी डी में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास मैंगो फ्रूट, या आपके पास मैंगो फ्रूट आ गया, इसको कॉपी पेस्ट कर लें तो ये देखें आपकी वेबसाइट में ये मैंगो और ये उसकी डिटेल्स आ गई। उसके बाद अच्छा,
पहले ही आप लोग आपको मज़ीद चाहिए तो आप डी एल के बाद एक और डी टी में एप्पल और डी डी में एप्पल की डिटेल्स। ये आपके पास एप्पल की डिटेल्स। जी आप बोले ए आर क्रिएशंस जो भी है। अच्छा जी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, एक मिनट। जी आवाज़ आ रही है? ओके जी मैं बताता हूँ। जी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके जी। अच्छा जी डी एल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डी टी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म या फिर डिस्क्रिप्शन टर्म, और ये आपका बेसिकली टाइटल कह लें। उसके बाद डी डी जो है ये आपका उस टाइटल की डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह कह लें, उसका डाटा कह लें। तो जब आप लोग उसको यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेशन टर्म हो गया और ये उसके डेफिनेशन डाटा हो गया, डिस्क्रिप्शन डाटा हो गया। उसी तरह फिर ये आपके पास डी टी में डेफिनेशन टर्म और ये उसका डाटा आ गया। तो ये बेसिकली आप लोग की डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। जी कोई सवाल हो इसके रिलेटेड? जी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है ना, आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन डोमेन नेम रखिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी वक्ती तौर पर आप अपना ही नेम लिखते जाए। आपका नेम क्या है? मोहम्मद उमर। फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद डैश उमर डैश वन इस तरह करके लिख लें लेकिन स्पेस ना आए। जी ये आप लोग का चैप्टर नंबर 10 में आएगा, हम उसमें इसको देखेंगे मज़ीद। अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही हमने बनाया ना, वो ऑटोमेटिक जो आ जाता है वी एस कोड की मदद से। डेफिनेशन टर्म जो है आपका सिंपल एज अ टाइटल कह लें कि ये डी एल डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और ये आपके पास उसकी टर्म कि आपने किसको एक्सप्लेन करना है या इस किसका डाटा लिखना है। तो ये आपके पास मैंगो है और मैंगो के पास उसकी आपने डिटेल्स लिख दी। तो ये बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट है। तो ये आप लोगों की लिस्ट है और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। तीन ही लिस्ट है हमारे पास और ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं गैलरी में, इमेजेस और मीडिया ऑडियो और वीडियो। इसकी कॉपी बना लें और इसको आप नाम दे दें gallery.html, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 इमेजेस एंड मीडिया और बाकी जितना भी आप लोगों ने कोड किया था उसको ख़त्म कर दें। अब इमेजेस एंड मीडिया में आपके पास H2 इमेजेस ऑडियोस वीडियोस। आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, आर्टियोज यूज़ कर सकते हैं और वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस के लिए आपके पास
आई एम जी एलिमेंट, ठीक है जी, आई एम जी एलिमेंट, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एम्प्टी एलिमेंट है। इसमें आप सोर्स एट्रीब्यूट में यूआरएल पास करते हैं कि इमेज आप लोग कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। तो इमेज के लिए हमारे पास इमेज होना लाजमी है, आपके पास इमेज होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं इमेज को। तो इमेज यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इमेज होनी चाहिए। तो इमेज हमारे पास, हम लास्ट सेक्शन में जो हमने बनाया था, अच्छा जी, उसके लिए आपके पास सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, यहाँ पर आपकी HTML की फाइल सारी, इसमें अब आप लोग एक फोल्डर बनाएंगे एसेट्स के नाम से। अब ये फोल्डर नेम देखें, लॉयर केस में है, ठीक है, लॉयर केस में ही इसको यूज़ करना है। एसेट्स, एसेट्स के अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह आपके पास, इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, और रिंग टोन्स वगैरह के एलिमेंट्स के, वो भी ऑडियोज़ में ही आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास इसमें आ जाएगी। अब इमेजेस के लिए इस फोल्डर के अंदर मज़ीद इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, ठीक है जी, आपने ये तीन फोल्डर बना लिए। अब हम क्या करते हैं, पिछले सेक्शन से डाटा उठाते हैं, ठीक है जी, एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर देखें आपके पास ऑडियोज में एक ऑडियो की फाइल आ गई, एक आपके पास इमेज की फाइल आ गई, और एक आपके पास वीडियो की फाइल आ गई। और VS कोड में भी देखें तो आपके पास एसेट्स, ऑडियोज में ऑडियो, इमेजेस में एक इमेज आ गई, और वीडियोस में एक वीडियो आ गई। अब इसको यूज करने के लिए सॉर्ट्स में जाके डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स इमेजेस नेचर डॉट JPG सेव करें और अपनी वेबसाइट पर रहें, Chapter 5 इमेजेस एंड मीडिया। तो ये देखें जी, ये आपके पास इमेज आ गई एक। आप लोग इसकी विथ एंड हाइट सेट कर सकते हैं, तो इसकी अगर विथ चेंज करनी है तो विथ एट्रीब्यूट 200 पिक्सल्स सेव करें, तो ये इमेज का ये साइज़ आ गया। 400 कर लें तो ये आपके पास 400 पिक्सल्स की इमेज आ गई। अगर हाइट चेंज करते हैं तो हाइट, अच्छा अब कोशिश ये करें कि कोई एक चीज़ ही यूज़ करें, या विथ यूज़ करें या फिर हाइट यूज़ करें, तो सेकंड जो है वो आपकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अगर आप लेट्स सपोज हाइट को कर देते हैं 200 पिक्सल, सेव करें, तो ये देखें इमेज ये आपकी ख़राब हो गई। आप इसको 150 पिक्सल्स करें तो ये आपकी इमेज और ख़राब हो गई। आप इसको 500 पिक्सल्स कर देते हैं तो आपकी इमेज इस तरह ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है कि अगर विथ है तो हाइट आपकी ऑटो हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है। अगर आप चाहते हैं कि हाइट आपकी 300 पिक्सल्स हो तो विथ आप ऑटो कर दें, तो क्या होगा, ये आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी चीज़ें। तो हाइट आपकी 300 पिक्सल, हम इसको 300 पिक्सल ही रहने दे देते हैं, या फिर 350 कर देते हैं, तो आपके पास 50 पिक्सल्स में एक इमेज आ गई। एक ये तरीका एक है कि आप यहाँ पे भी नेचर यूज़ कर लें, वर्ड इमेजेस, और एक ये इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। जब आपने कॉपी कर लिया, अब आप इसको किसी भी ब्राउज़र में जाके कहीं पे भी कभी भी पेस्ट करें तो वही वाली इमेज आ जाएगी। तो इसी तरह आप इसको अपनी वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल IMG सोर्स में वो आपका एलिमेंट आ गया, सॉरी सोर्स में वो पाथ आ गया, सेव करें और अपनी वेबसाइट पे जाएं तो ये आपके पास इमेज आ रही है। हमें चाहिए ये सेम हाइट में, तो आपने इसको हाइट 350 पिक्सल दी थी, आप इसको अभी 350 पिक्सल दे दें, सेव करें, तो ये देखें ये अब एक लाइन में ही आके, तो ये इमेज एलिमेंट आपका कौन सा बन गया, डिस्प्ले इसका क्या बना, इनलाइन बना या ब्लॉक बना, तो ये आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि ये डिस्प्ले क्या है, इनलाइन है या फिर ब्लॉक लेवल है इमेज एलिमेंट। उसके बाद अच्छा जी, अब इमेज जो है, लेट्स सपोज ये इंटरनेट से हमने इमेज लिया, ये
इमेज जो है इंटरनेट से आ रही है, अगर तो आपका इंटरनेट बंद हो गया तो इमेज नहीं आएगी, या फिर इंटरनेट से वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। ठीक है जी, हमने इसका पाथ चेंज किया, पाथ हमने खुद से गलत लिख दिया। तो इमेज देखें, अब आपके पास ये आ रहा है आइकन, सिर्फ ये इमेज यहाँ पर है, लेकिन ये इमेज ब्रोक हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, ब्रोकन है इमेज। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये इमेज किसके बारे में है, ट्री, सेव करें। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये ट्री, यहाँ पर इमेज आती है आपके पास। ठीक है जी, ट्री यहाँ पर इमेज, इसका क्या फ़ायदा होता है, एक तो इससे आपकी वेबसाइट की SEO अच्छी हो रही होती है, और साथ साथ अगर इमेज ब्रोक हो जाए, ब्रेक हो जाए, आपको ब्रोकन इमेज मिले तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आ जाता है। अगर JPG पूरा लिख दें तो आपके पास वही इमेज आ जाएगी। एक ये चीज़, एक चीज़ है कि आपके पास unsplash.com, आप लोगों ने वेबसाइट के बारे में सुना होगा, तो unsplash.com हमें एक API प्रोवाइड करता है, source.unsplash.com/। अब यहाँ पर आपने साइज़ लिखना है, तो साइज़ आपको जो भी चाहिए, लेट सपोज 350 बाय 350, और क्वेश्चन मार्क देके अब आपने बताना है कि इमेज आपको चाहिए किस तरह की। तो अगर आप क्लाउड लिख दें या क्लाउड्स लिखें, तो आपको क्लाउड्स की इमेज आएगी 350 बाय 350, ये नेट से आएगी। तो ये देखें, ये आपके पास एक इमेज आ गई 350 बाय 350। अगर हम इसकी विथ इंक्रीज करें, विथ को आप 500 कर दें, 500 बाय 350, तो ये देखें आपके पास ये इमेज एक आ गई। आप जब भी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो एक रैंडम इमेज आएगी, लेकिन वो होगी क्लाउड्स की ही। एक ये चीज़ होगी आपके पास, तो ये आपके पास इमेज होगी। ऑडियोज़ के लिए सिंपल, ऑडियो एलिमेंट सोर्स में एसेट्स ऑडियोज़, और आपकी ऑडियो फाइल आ गई। सेव करें तो यहाँ पे देखें ऑडियोज़ आनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऑडियो नहीं आई, हालांकि ये ऑडियो की फाइल लग चुकी है। अब हमने करना क्या, सिंपल कंट्रोल्स एट्रीब्यूट पास करें, तो आपके पास ये ऑडियो का प्लेयर आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऑडियो प्लेयर आ गया, इसको प्ले करें तो ये प्ले होगा। और आप चाहते हैं कि अक्सर वेबसाइट में भी देखा होगा, आप जैसे ही वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो ऑटो प्ले हो जाता है, तो आप लोग ऑटो प्ले एट्रीब्यूट पास करें तो ये हमेशा ऑटो प्ले ही रहेगा। ये देखें, इसको रिफ्रेश किया और पेज को रिफ्रेश, ऑटो प्ले, ठीक होना चाहिए था वैसे। फिर से पहले तो हो रहा था, चलिए बहरहाल ऑटो प्ले से ये आपका ऑटो प्ले हो जाता है। इसके बाद आप चाहते हैं कि जी जैसे ही ये फिनिश हो, जैसे ही ये फिनिश हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम भी ये ऑटोमेटिक चल जाए, मींस के स्टॉप नाउ। अब देखें ये स्टॉप हो चुका है, और आप चाहते हैं कि ये लूप चल जाए, तो आप सिंपल लूप लगा दें, एट्रीब्यूट सेव करें। अब ये देखें, ये ऑटो प्ले भी हो चुका है, और जैसे ये ख़त्म होगा तो ये साथ ही अब दोबारा से चल पे जाएगा। ये देखें, ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल्स ऑटो प्ले और लूप एट्रीब्यूट। ऑडियो का ये हो गया, सेम एज इट इज़ वीडियो के लिए, वीडियो शॉर्ट्स में शॉर्ट्स पास कर दें, वीडियो प्लेबैक सेव करें, तो ये आपका
वीडियो प्लेयर आ गया, लेकिन अभी भी देखिए इसमें कंट्रोल्स नहीं आ रहे हैं। तो कंट्रोल्स के लिए आपके पास कंट्रोल्स, तो ये आपके पास कंट्रोल्स आ गए। देखें प्ले करेंगे तो प्ले पॉज हो गया, म्यूट वॉल्यूम कम ज़्यादा, फुल स्क्रीन, ये आपके पास। अच्छा ये ऑप्शन आपके इसमें भी आते हैं डाउनलोड और प्लेबैक स्पीड के, ठीक है जी। और इसमें भी आपके पास डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड और पिक्चर इन पिक्चर मोड, जिस तरह फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, आपके पास व्हाट्सएप पे भी ये फीचर आ रहा होता है कि आप पिक्चर इन पिक्चर मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ें कंट्रोल्स आके ऑटो प्ले करते हैं तो ये आपका ऑटो प्ले हो जाएगा, और लूप लगाते हैं तो ये अब लूप चल जाएगी इसकी। इसमें कुछ चीज़ें मजीद हैं लाइक विथ, आप इसकी विथ सेट कर सकते हैं, और इसकी विथ अगर आप लोग 400 पिक्सल्स करें तो ये आपके पास 400 पिक्सल्स में आ गया, और 500 करें तो 500 पिक्सल्स में आ गया। तो हाइट इसकी आप लोग सेट करना चाहते हैं तो हाइट 350 पिक्सल्स, तो ये 350 उससे बाहर निकल गया, 350, 400 और 280, 8 इसकी खत्म करें, इसकी हाइट है कितनी ये देख लेते हैं पहले। अच्छा जी 400 पे ये, 500 पे इसकी हाइट 280, हाइट 280 पिक्सल। अच्छा जी ये आपकी विथ और हाइट सेट हो सकती है इसमें। इसके बाद आता है कि जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस वगैरह हैं उसमें आप थंबनेल्स को यूज़ करते हैं, तो थंबनेल्स आपके पोस्टर एक एट्रीब्यूट, और इसमें आप लोग इमेज को पास करते हैं, तो इमेज हम यही यूज़ कर लेते हैं, ये क्लाउड्स वाली जो हमारे पास आ रही है हमने से देखना ही है। तो ये देखें आपके पास, अच्छा जी ये साइज़ इसका 500 बाई 350 है, तो हमें 280 का चाहिए, 280, तो ये देखें आपके पास ये वो क्लाउड, ये आपका थंबनेल्स। प्ले करेंगे तो थंबनेल गायब और आपकी इमेज शुरू हो जाएगी। ये आपका वीडियो एलिमेंट। इमेज एलिमेंट में सिर्फ एक और चीज़ फिगर, आपने वेबसाइट कह रहा हूँ बुक वगैरह में जब हमने पढ़ा हुआ है फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स हो जाती थी या केमिस्ट्री हो जाती थी, तो इस तरह की बुक में अच्छा जी पहले ये सोर्स और 350 500, इसको आप फिज़िक्स कर दें, अल्टरनेटिव में फिज़िक्स। इस फिगर के अंदर फिक कैप्शन, लेट्स सपोज 1.2, हम बुक वगैरह में पढ़ते थे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है और साथ ही आपके पास उसका लिखा होता था कि ये फिगर 1.1 है या 1.2 है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था उस इमेज को या उस कंटेंट को। तो आप लोग इसको सेंटर एलिमेंट में ले आए, तो ये देखें जी पेज को रिफ्रेश करें तो ये आपके पास फिजिक के रिलेटेड कोई भी पिक आ रही है, रैंडम आ रही है, और ये आपके पास 1.2 आ रहा है। बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह हम CSS की मदद से कर सकते होंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, इमेजेस एंड मीडिया। इमेजेस आ गई और ऑडियो, और ये आपके पास वीडियो। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, टेबल्स पे। तो गैलरी को ही कॉपी कर लें और आप इसको
टेबल्स बनाते हैं। चैप्टर नंबर 6, टेबल्स, और इसमें भी आप टेबल्स चैप्टर नंबर 6। तो जितना कोड आपने किया हुआ है उसको आप ख़त्म कर दें। हाँ जी, कंट्रोल्स अगर ख़त्म कर दें तो फिर भी चल जाएगी, अगर आपने ऑटो प्ले लिखाया होगा तो। इसमें एक और एट्रीब्यूट भी आता है म्यूटेड के नाम से, तो मीन्स कि अगर आप वीडियो चलाते हैं तो वो म्यूटेड होगी। HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये आपके पास देखें, ये जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है HR से। जी, वीडियो को रिस्पॉन्सिव करना तो हो जाती है, लेकिन वो CSL की मदद से ही होगी। तो आप में से किसी का सब कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, फिर हम अब आ जाते हैं टेबल्स पे, और चैप्टर 6 टेबल्स, ये आपका टेबल्स। टेबल्स के लिए आपके पास सिंपल टेबल एलिमेंट, इमेजेस की तरह वीडियोस को भी कर सकते हैं, नहीं मेरा ख्याल नहीं है, वैसे कभी इलम में नहीं है मेरे अनसप्लैश, क्योंकि बेसिकली इमेजेस की वेबसाइट है तो इमेजेस शायद मिले, वीडियोस का मेरे इल में नहीं है। जी, उजैर भाई किधर हैं? उजैर भाई, सवाल क्या था दोबारा पूछ लें। ये स्टूडेंट को जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हो बट प्रैक्टिस ना की हो, ये वाला? नहीं जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही किसी की। मैं एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, ये गूगल मीट भी कभी कभी तंग करने लग जाता है। नहीं जी, म्यूट नहीं किया, म्यूट करता तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती। जी, अब बोले। जी, आप अब बोले। जी, अब आ रही आवाज़, बोले। नहीं, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाएगा। ओके जी, टेबल के लिए आपके पास टेबल एलिमेंट,
और टेबल में आप लोगों ने देखा होगा टेबल में आपके पास, अच्छा जी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, जी वो स्क्रीन शेयर नहीं की थी। अब आ रही है नज़र, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपका टेबल एलिमेंट, टेबल के लिए सिंपल सा टेबल एलिमेंट, उसके अंदर हम टेबल रो बनाते हैं। तो टेबल रो के लिए टी आर एक रो बन गई, उसके अंदर आपके पास टी डी जो कि एक कॉलम में एक सेल आ जाता है, ठीक है जी। एक कॉलम में ये एक सेल है, इसमें आप लोग कह दें लेट सपोज टेबल है, टेबल का कैप्शन दे दें स्टूडेंट्स डेटा, और टीडी में आपके पास एस नंबर, उसके बाद उसका नेम, क्लास, सिटी, एक और टी आर बना लें, और आपके पास टी डी वन, नेम आप कहते हैं अहमद, अली, बिलाल, अच्छा सॉरी अहमद है, अहमद की क्लास है फिफ्थ में है, और सिटी फैसलाबाद। अब इसकी कॉपी बना लें, सीरियल नंबर ये आपका टू हो जाएगा, नेम ये आपका अली हो जाएगा, और टेबल डाटा में ये किस क्लास का है, ये सिक्स क्लास का है। अब एक और बना लें, टी डी में ये आप इसको थ्री कर दें, नेम ये आपका बिलाल हो गया, और क्लास टू कर दें, और ये लाहौर का स्टूडेंट है। सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आएं तो आपको टेबल कुछ इस तरह का नज़र आएगा, कैप्शन स्टूडेंट्स डेटा, और ये टेबल का डेटा आ गया। तो बॉर्डर के लिए आप वैसे तो सी एस एस यूज़ करते हैं, लेकिन एच टी एम एल में टेबल एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट आ जाता है बॉर्डर का, इसमें वन पास कर दें तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक टेबल, इसमें देखें फैसलाबाद जो है ये भी फैसलाबाद का स्टूडेंट है, ये भी फैसलाबाद का है, हम चाहते हैं कि फैसलाबाद जो रिपीट हो रहा है तो एक ही बार फैसलाबाद लिखा हुआ है, और दोनों टेबल के साथ, दोनों रो के साथ मर्ज हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला जो फैसलाबाद है, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको हमने नीचे वाले के साथ मर्ज करना है। तो इस टी डी में एक एट्रीब्यूट पास कर लें रो स्पैन, हमने दो रो के साथ मर्ज करना है तो दो लिख दें, और इस फैसलाबाद को आप ख़त्म कर दें, सेव करें। तो ये देखें ये फैसलाबाद अब इन दोनों के साथ आ गया। और एक और चीज़ कि ये आपका बेसिकली फर्स्ट रो जो होती है वो हेडिंग होती है, तो ये तो हमने सिंपल टेबल डाटा लिया था, तो अगर आपको हेडिंग चाहिए, हेडिंग क्या करेगा, एक तो इसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर देगा, अभी ये सिंपल है नॉर्मल टेक्स्ट है, बोल्ड कर देगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देगा। अभी देखिए ये लेफ्ट पे है, उसके बाद क्या होगा, ये आपका सेंटर में आ जाएगा, तो इसको हम टी एच बना देते हैं, टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो इसको आप टी एच सेव करें, तो ये देखें बोल्ड भी हो गया और ये टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हो गया ऑटोमेटिक। तो ये आपका बेसिक सा एक टेबल, हमने लास्ट क्लास वगैरह में भी देखा था, वही देखते हैं, वो एच टी एम एल सिंपल टेबल, एच टी एम एल का सिंपल टेबल ये टेबल ये वाला, और ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं, तो ये टेबल आपके पास, इसमें रो कितनी है, एक दो तीन और चार रो है, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार। तो इसको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा, एच आर एलिमेंट टेबल
टेबल के लिए आपके पास टेबल एलिमेंट, और रो के लिए टी आर, और इसमें आपके पास टी एच है, ये भी टी एच है, ये भी टी एच है, ये भी टी एच है, ये टी एच है, मेल्स एंड फीमेल्स भी टी एच लिखा हुआ है, बाकी जो है आपका ये तीन जो है ये टी डी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में आपके पास एवरेज है और रेड है, पहला ब्लैंक है, सेकंड एंड थर्ड ये लिखा हुआ है, इसको कॉल स्पैन कह रहे तो ये हो जाएगा, और ये आपका रो स्पैन हो जाए तो ये हो जाएगा। तो टी आर के अंदर टी एच पहला ब्लैंक, सेकंड में आपका एवरेज, थर्ड आपका ब्लैंक, फोर्थ आपका रेड लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये आपका हो गया। उसके बाद फर्स्ट दोबारा से ब्लैंक, सेकंड एंड थर्ड में हाइट एंड वेट, टी आर टी एच, फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड हाइट वेट, और लास्ट वन जो आपका ब्लैंक है। उसके बाद टी आर, फर्स्ट आपका टी एच है जिसमें मेल्स लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास टी डी है, इस टी डी में क्या लिखा हुआ है, 1.9 0.003 40%, 1.9 0.003 और 40%। उसके बाद फीमेल्स क्या है, तो इसको ही कॉपी करें, फीमेल्स 1.70.002 और ये आपका 43%। सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आए तो कुछ इस तरह का आ रहा है। इसको अगर आप बॉर्डर दे दें टेबल को, बॉर्डर वन, तो ये बॉर्डर वन कुछ इस तरह का आ गया। आपके पास ये ब्लैंक है तो फर्स्ट को ब्लैंक करें, टी एच जो है रो स्पैन टू, इसको ख़त्म करते हैं, सेव करें, तो ये आपका इस तरह रह गया। एवरेज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एवरेज आपका कॉल स्पैन टू, और आप इसको भी ख़त्म कर दें साथ ही, सेव करें, तो एवरेज आपका ये आ गया। रेड आपका रो स्पैन होगा, तो रो स्पैन टू करें और इसको भी ख़त्म कर दें, तो ये अब आपके पास इस तरह आ गया। और कैप्शन आपका जो लिखा हुआ है, अ टेस्ट टेबल विद मर्ज सेल्स, तो टेबल के अंदर कैप्शन, अ टेस्ट टेबल विद मर्ज सेल्स, सेव करें, तो ये लिखा हुआ आ गया। अब आप लोग ने क्या करना है, इसको इटैलिक करना है, तो सिंपल आई के अंदर इटैलिक। अच्छा जी, स्क्रीन दोबारा नज़र नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, किसी को भी नज़र नहीं आ रही, आ रही है। चलो जी, मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया वैसे भी टॉपिक, सबको ही नज़र आ जाए। जी वो अब तो मैंने खुद बंद किया है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ ताकि सबको ही नज़र आ जाए। जी आ गई नज़र स्क्रीन, जी स्क्रीन नज़र आ रही है, ओके। अच्छा जी, एक ये टेबल हो गया आपका, इसके बाद लास्ट वन, जब आप लोग कोई काफ़ी बड़ा टेबल बना रहे हो, लाइक जिस तरह आपके पास मंथली इनकम्स शीट बनती है, मंथली एक्सपेंसेस शीट बनती है, तो इस तरह का अगर आप लोगों ने कोई टेबल वगैरह डिज़ाइन करना है, तो उसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, होता सेम टेबल ही है,
इसमें बॉर्डर वन ही आएगा। अब क्या करना है, जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, हेडर मेन और फुटर, तो उसी तरह टेबल का भी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका टी हेड और ये आपका टी बॉडी और आपका टी फुटर। सिर्फ स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनेगा ताकि बड़ी बड़े जब टेबल बने तो उसकी स्टाइलिंग इजीली की जा सके। तो टी हेड में बेसिकली हेडिंग का ही डाटा आता है, टी आर टी एच, इसमें आप कह दें लेट सपोज डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, कैप्शन आप दे दें इसको लाइक दिसंबर एक्सपेंसेस, और टी बॉडी में टी आर पी डी जो भी डेट, लेट्स सपोज 1 दिसंबर, और डिस्क्रिप्शन आपके जो भी फॉर एग्जांपल ग्रोसरी और आपके पास टी डी में आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट फॉर एग्जांपल आप कह दें 5000। उसके बाद मजीद एक और टी आर, डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर दें, लेट्स सपोज इसको 3rd कह दें या फिर 3 कह दें, ये आपका फ्यूल कह लें, इसको आप 2000 कह दें। तो जो भी अमाउंट वगैरह बनती है वो फिर अब आपकी टी फुट में, टी एच टोटल और टी एच अमाउंट जो भी बनेगी, लेट्स सपोज इन केस 7000, सेव करें अपनी वेबसाइट पर आएँ तो ये चीज़ आ गई। लेकिन टोटल हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए और अमाउंट के नीचे अमाउंट आनी चाहिए। तो ये आपके पास अब टोटल को आप लोग करें कॉल स्पैन 2, सेव करें तो ये देखें आपके पास टोटल ये आपका 7000। जी अब बताएं कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 6 था। जी, वो कर सकते हैं सीएसएस की मदद से होगा। हाँ जी, वो भी सीएसएस की मदद से होगा। मैंने कहा ना ये बॉर्डर जो है बेसिकली सीएसएस में ही बना किया जाता है, उसमें स्टाइलिंग हो जाती है। तो क्योंकि इसमें स्टाइलिंग नहीं हम कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये बॉर्डर अभी इसमें देखें बॉर्डर भी जो है आपका वो डबल डबल आ रहा है, हर सेल का और टेबल का अलग अलग से आ रहा है, तो हम इसको सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आ सकता है सीएसएस की मदद से, क्योंकि अभी इसका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लाइंस सेंटर हो गया, तो आप सीएसएस की मदद से इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपका उसके नीचे ही आ जाएगा। जी वैसे भी असाइनमेंट आप लोग को आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो बढ़िया कि आज नहीं तो कल तक तो मिल ही जाएगी, तो फिर वो आप लोग थर्सडे तक सबमिट करवा दीजिएगा। तो यही होगी जितना आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें एक गैलरी वगैरह आ जाएगी, टेबल्स आ जाएंगे, और नेक्स्ट सैटरडे आप लोग की एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, सिंपल से ही है। मेन जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, तो उस पे फोकस होगा, बाकी तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 में स्ट्रक्चर वगैरह है आप लोग पहले से ही कर चुके हैं।
सबमिट के लिए लिंक आएगा, लास्ट टाइम भी लिंक शेयर किया गया था। गूगल का फॉर्म होता है, अपना नाम, रोल नंबर और डिप्लॉयड यूआरएल जो है, जो आपने डिप्लॉय किया था उसका यूआरएल देना पड़ता है। और यूआरएल जो है इस बार आप लोग का न्यू बनेगा, आप लोग की हर असाइनमेंट का यूआरएल न्यू होगा, पुराना नहीं होगा। इस बार आ जाएगा, आप लास्ट टाइम शायद ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड नहीं हुए होंगे, तो इस बार आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का फॉर्म्स है, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ का एडमिशन लिया था एक फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म फिल जो किया उसका डाटा हमारे पास आ गया। तो यूज़र से इनपुट फील्ड, यूज़र से वैल्यू या यूज़र से डाटा किस तरह गेट किया जाता है, वो फॉर्म्स की मदद से किया जाता है। तो फॉर्म्स आपका फिर चैप्टर नंबर 7 होगा। जी शहजादे, आपको ऐड कर दिया। डेट और टाइम किस टैग में लिखेंगे? टाइम एलिमेंट है आपके पास, उसमें ही लिखेंगे बस। डेट भी और टाइम भी उसी एलिमेंट में आ जाता है। जी, और कोई सवाल किसी का? ग्रुप एक्चुअल में अच्छा जी, बहरहाल ये तो आप, हाँ जी मैं लगाता हूँ, अटेंडेंस भी लगाता हूँ, तो इसके रिलेटेड कोई सवाल नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग भी लेंथी ना हो। ठीक है जी, जजाकुम अल्लाह खैरा।